After days of trauma and apathy, national level shooter Tara Sahdeo today returned to her favorite place, the shooting range in Ranchi. Speaking to media on the occasion, Sahdeo said that returning to the practice range again is just like winning an Olympic gold to her. Tara Sahdeo had accused her husband Ranjit Kohli, alias Rakibul Hasan, of harassment and forcible conversion post-marriage. In her police complaint, Sahdeo had alleged that Ranjit tried to pressure her to convert to Islam as part of a suspected love jihad agenda. मेरे पास सब नहीं है क्या कहते हैं अगर किसी को दोबारा ज़िंदगी मिल जाती है तो एहसास कैसा होगा ये एहसास एकदम वैसे ही है मतलब मुझे नहीं पता इससे बड़ी खुशी शायद मुझे ओलंपिक मेडल भी लेती तो नहीं मिल पाती क्योंकि वो मेहनत से मिलती है आप मौत से लड़के कहते हैं ना मतलब पता नहीं किस चीज़ से आप लड़के आए हो यहाँ पर एक मेडल भी उतनी खुशी नहीं देती जो आपको वो खुशी यहाँ पे आके मिल रही है आज मैंने जब रेंज देखा ना तो मुझे लगा भगवान है कहीं पे मैंने छोड़ दिया था उम्मीद कि शायद मैं अपनी राइफल को कभी छू भी नहीं सकती मेरे लिए वो एहसास बहुत है After returning to shooting range, Sahdeo said that her first target would be the matches starting September 18 this month. She said that her ultimate target is to win an Olympic gold and she will take small steps to achieve that goal. पहला टारगेट है मेरा अभी 18 से जो मैच है क्योंकि मैं उसके लिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपना कोई भी एक भी पल इस चीज़ की वजह से जो अंधेरा था उसके लिए बर्बाद करूँ मेरा टारगेट है ये उसके बाद नेशनल्स आने वाले हैं और उसके दौरान मैं आगे बढ़ूँगी जो ओलंपिक मेडल का जो एक आप कहते हो ना बहुत बड़ा टारगेट है उससे पहले कई छोटे टारगेट्स आपको अचीव करने पड़ते हैं तो हर एक स्टेप के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ पावर्ड बाय NNIS